हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू फिश, बट वो हमारे मॉन्स्टर टैंक के लिए नहीं है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैं लाया हूँ उसको हमारे 2.5 फीट वाले टैंक के लिए। तो हमें मॉन्स्टर फिश टैंक के लिए यार कोई बढ़िया सा फिश अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे अब काफ़ी सोच समझ के जो फिश ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे मॉन्स्टर टैंक में जो फिश फिर ऐड हो जाने वाला है वो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको हम कहीं और किसी फिश के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक है हमारे सिकलेट फिश सभी के सभी। तो अब आपको बताता हूँ भाई कि मैं कौन सा फिश लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा फिश है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसका भी एक ही पीस लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि एक ही पीस था एक्चुअली ये। तो चलिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पे एक्लिमेशन के लिए, एंड देन आपको मैं इसका प्राइस भी बताता हूँ, एंड साथ में बताता हूँ कि एक्चुअली ये फिश कौन सा लेकर आया हूँ मैं यहाँ के लिए। सो फाइनली भाई इसका एक्लिमेशन हो चुका है कंप्लीट, एंड अब इसको निकालते हैं जल्दी से बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, बैग तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा देते हैं, बट फिश यार काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इनका हर बारी। तो इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ तो ये है 800 रुपीज़ पर पीस मुझे मिला है, और ये एक ही पीस था, वरना मैं इसका पेयर तो पक्का ही लेके आने वाला था। तो ये देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सुंदर फिश है, और ये है हमारा एलिफेंट नोज फिश। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे देखा है फिश को, और इसका मैं डाइट वगैरह भी उनसे पूछ कर आया हूँ कि इनको हम क्या फीड कर सकते हैं, इनके टैग वेट वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, इसकी जो हल्की सी आपको एलिफेंट की तरह नोज दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी मुझे, तो मैं इसको जल्दी से उठा कर ले आया। तो अब मैं इसको करता हूँ जल्दी से हमारी 2.5 फीट वाले टैंक के अंदर ऐड। तो मॉन्स्टर टैंक पे इसके भाई ऐड होने की जगह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर टैंक के अंदर काफ़ी ख़तरनाक फिश है हमारे। तो ये देखें भाई ये कितना सुंदर सा फिश लग रहा है, आपने मुझे कमेंट वो देखें भाई है भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एंड साथ में यार आपको मैंने कल इस स्टेन के बारे में बताया था, तो मैंने अभी तक इसको क्लीन नहीं किया, एंड आप इसको क्लीन कैसे कर सकते हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे हल्का सा लेमन काट के लगाना है थोड़ी देर, जो लेमन का जो हमारा जूस होता है वो यहाँ पे आपको लगाना है, एंड देन उसके बाद आपको वाटर से क्लीन करना है, तो उसके बाद ये स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए हम आपको देते हैं भाई हमारे न्यू फिश का अपडेट। तो इसको तो भाई हाइडिंग प्लेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, भाई ने मुझे कहा है, एंड ये सिंगल पीस भी काफ़ी इजीली रह लेते हैं, तो जिस वजह से मैं एक था तो मैं एक ही लेकर आ गया, सच में एक ही पीस था तो मैं जिस वजह से एक ही लाया, क्योंकि मुझे तो अगर ये पेयर मिलता ना तो मैं पेयर पक्का लेके आने वाला था इसका, क्योंकि आप देख सकते हो भाई सच में यार ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फिश है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा फिश अपने पास रख रहा हूँ देख सकते हो। तो मुझे तो ये फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। ये है भाई हमारा एलिफेंट नोज फिश, तो मुझे यार सच में ये काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया है फिश। एंड अब इसके टैंक मेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको इसके साथ ऐसे टैंक मेट रखने जो कि इसको हार्म ना कर सके, मतलब बिल्कुल जो हमारे सॉफ्ट फिश होते हैं उनके साथ ये रह सकता है, एंड जो हमारे सिल्वर डॉलर वगैरह हो गए, हमारे टिन फॉइल हो गए, उनके साथ भी काफ़ी इजीली एडजस्ट कर सकता है। एंड आपको इसको ऐसे फिश नहीं रखने इसके साथ जो इसके नोज़ को हार्म कर सके, क्योंकि इसी की वजह से यार ये मतलब इतना ज़्यादा स्पेशल फिश है देख सकते हो। और इसका जो टेल वगैरह का जो एंडिंग फिनिशिंग है इसके फिन्स की कलर की वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़िया है। ये बाहर आते हैं तो मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ, यार ये बाहर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी देख सकते हो यार, इसको कलर कितना ज़्यादा सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर है, बिल्कुल हल्का सा ग्रीनिश कलर है, फुल बॉडी इसका ब्लैक में एंड हल्का सा इसका फिनिशिंग जो है विंग्स की तो वो हल्की हल्की सी ग्रीनिश कलर की, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इसका प्राइस तो यार सच में हैवी है, बट कोई बात नहीं यार इतना सा फिश हमारे टैंक में इसके लिए मैं ला चुका हूँ अब फाइनली। तो देखते हैं अगर इसका एक और पेयर मिलता है तो हम काफ़ी जल्दी इसका पेयर भी कंप्लीट कर देंगे। एंड साथ में यार आपको यहाँ का भी एक छोटा सा अपडेट दे दूँ, तो यहाँ पे मैं एक तो फर्स्ट यहाँ पे एक्वेरियम सॉल्ट जो होता है वो हमारा ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मैं एक्वेरियम सॉल्ट ला नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था एक्चुअली शॉप के अंदर, तो इनके हमारे पॉन्ड के अंदर हमारे फिश टैंक के अंदर हमने एक्वेरियम सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो रहा है, तो इनको ये काफ़ी ज़्यादा काम डाउन रखने में मदद करता है जो हमारा ये एक्वेरियम सॉल्ट होता है, मतलब आप इसको एक तरफ से वाटर कंडीशनर के तौर पे यूज़ करते हो हमारे एक्वेरियम सॉल्ट को। एंड साथ में यार ये मेडिसिन जो है तो ये इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इसी के साथ में मिलती है तो पता नहीं क्यों देते हैं, तो इसका भी एक दो ड्रॉप हम डाल देते हैं। तो हमारे कोई फिश पॉन्ड के हिसाब से हम यहाँ पे थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं, तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना, उन्होंने कहा है कि आप इसको ऐड कर सकते हो, उन्होंने मुझे इसका बेनिफिट नहीं बताया, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअली ये ड्रॉप्स किस काम आती हैं। तो अब चलते हैं भाई हमारे टॉपिक की तरफ, तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एयर पंप है एंड एक ही फिल्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो जिस वजह से मैं लेने गया था हमारा फिल्टर, तो फिल्टर तो हमें नहीं मिले, बट हम एयर पंप तो उठा के ले आए हैं, साथ में सारा का सारा सामान जो भी लगने वाला है हमारे कोई फिश पॉन्ड के लिए वो मैं सारा का सारा सामान लेके आ चुका हूँ।
तो कल या परसों तक हम यहाँ पे सारे के सारे फिल्टर सेटअप कर देंगे एंड आपको एक हमारा काफ़ी बढ़िया सा कोई फ़िश पॉन्ड का सेटअप हम मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारे अब फिश की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि हमारा जो लेक्चर था वो ख़त्म हो चुका है एंड अब आप देख सकते हो हमारे फ़िश की तरफ। तो यार सच में हमारा कोई फ़िश पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इसको सबसे ज़्यादा यार खास बनाता है हमारा बटरफ्लाई कोई। तो इसी की तरह एक और भी फ़िश है हमारा, वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में, तो इसका वेट करते हैं कब तक वो बड़ा होता है एंड इसकी तरह बनने वाले। तो चले फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।